दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में एक ऐसी नदी के बारे में बात की थी जो बिल्कुल पूरी तरह से सूख रखी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिस्पना नदी की। इस बरसात के मौसम में रिस्पना नदी पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि वो ऊपर से आती है रिस्पना नदी का दिखाए। वहाँ आप देख सकते हैं कितना पानी है और आगे जाके ज़मीन का कटाव इतना हो चुका है कि ये पूरी तरह से एक घाटी बन चुकी है। आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर कितना ज्यादा है और ये पूरी तरह से एक झरना बन चुका है। ये आगे जाके और प्रदूषित होगा। ये तो पहली बस्ती की बस्ती है। तो आपने देखा ये बस्ती से निकलता हुआ रिस्पना का पानी किस तरह प्रदूषित हो चुका है और इसका बहाव इतना तेज है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ इतनी सारी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है। इनको इस बारिश के मौसम में बहुत डर है क्योंकि दोस्तों हम आपको पूरे झरने के बारे में तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी एक झलक दिखा सकते हैं बगल से। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस झरने को दूर से दिखाए थोड़ा। आप देख सकते हैं कितना प्रेशर है इसका। इतना ज़्यादा प्रेशर किसी हाइड्रो पावर डैम में ही होता है। इससे अगर हम बिजली बनाएं तो काफ़ी मेगावाट बिजली बन सकती है। तो आज हमने आपको दिखाया रिस्पना का बहाव कितना तेज हो चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको इसके ऊपर और भी अपडेट देते रहेंगे।